एमआईडीसी इलाके में 12 वर्षीय बालिका का बाल विवाह कराए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। बालिका और युवक के बीच प्रेम संबंध थे। बालिका गर्भवती होने के बारे में परिजनों को पता चलने पर उन्होंने बालिका का और युवक का विवाह कर दिया। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इसी बीच उनकी बस्ती में आशा वर्कर्स को सर्वेक्षण में बालिका की उम्र कम होने के बारे में जानकारी मिली। यह मामला एमआईडीसी थाने पहुंचा। पुलिस ने बाल विवाह, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया है। बालिका से आयु में 10 साल बड़ा युवक अब बार बार पुलिस से सवाल कर रहा है कि उसका कसूर क्या है। उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया। जिस 12 वर्षीय बालिका से विवाह किया उसकी माँ की मौत हो चुकी है। मैंने उसे सहारा दिया। अब पुलिस उलझन में है कि वह क्या करे आगे चलकर। अगर युवक ने उसे छोड़ दिया तो उसे कौन सहारा देगा। यह विचाराधीन प्रश्न भी बालिका के सामने भी खड़ा है। पुलिस के अनुसार बालिका की मां की बचपन में ही मौत हो गई है। वह पिता के साथ रहती है। वह मध्य प्रदेश में रहते थे। पिता उसे लेकर नागपुर आ गए थे। तीसरी कक्षा तक पढ़ने के बाद परिवार की जिम्मेदारी के चलते वह आगे पढ़ नहीं पाई। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले युवक से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों के बीच प्रेम संबंध जुड़ गया। एक दिन बालिका की तबीयत अचानक खराब होने पर उसे दवाखाने ले जाने पर वह गर्भवती होने की बात पता चली। हो एका प्रकरणात एका 12 वर्षाची मुली हॉस्पिटलला प्रेग्नंट स्टेजला गेली होती आणि त्यांचे काही मेडिकल इश्यूज होते म्हणून हॉस्पिटलकडून आम्हाला सूचना मिळाली होती की एका मायनर गर्ल प्रेग्नंट झालेली आहे। तर त्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आला आणि अशा दिसून आला की ते मुली काही शेजारी राहणारे मुलांसोबत 22 वर्षाचे मुलं होता त्यांच्यासोबत काहीतरी गैरप्रकार झाला होता आणि ते मुली प्रेग्नंट होती। ते फॅमिलीचे लक्षात आल्यानंतर फॅमिलीने त्यांच्याशी लग्न करून दिली होती आणि ही सगळी गोष्ट समोर आल्यानंतर एक रेपचे पॉक्सो ॲक्ट आणि चाईल्ड मॅरेज ॲक्ट प्रिव्हेन्शन ॲक्टचे जे सेक्शन्स आहेत त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्यात आलेली आहे आणि 22 वर्षाचे जे मुलं आहे जे आरोपी आहेत त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। प्रकरणात पुढे तपास सुरू आहे। त्याचबरोबर मुलींचे पण हेल्थ इश्यूज जे आहेत त्याबद्दल निर्णय घेण्यात येत आहे। हो हे शेजारी राहत होते आणि एकमेकाचे ओळखीचे होते ही खरी गोष्ट आहे। एकच समाजाचे पण आहे आणि त्याच्यामुळे हे झाला होता। आता हे चाइल्ड मॅरेज ॲक्टमध्ये आरोपीचे आई वडील आणि मुलींचे आई वडील पण आरोपी होणार आहे। आरोपी जे आहे त्यांचे आई वडील यांना अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। मुलींचे सध्या हेल्थ इश्यूज चालू असल्यामुळे त्यांचे नातेवाईकांना अटक करण्याबद्दल निर्णय नंतर घेण्यात येईल। बालिका ने जब प्रेमी का नाम उजागर किया तो दोनों के परिजनों ने फरवरी माह में शादी करवा दी। एमआईडीसी के थानेदार बेसरकर ने इस मामले की जांच द्वितीय पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े को सौंपी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज, नागपुर।